नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रामपुरा फूल में चुनावी बैठक दौरान सिकंदर सिंह मलुका के साथ सुखबीर सिंह बादल भी शामिल रहे। सुखबीर सिंह ने बरनाला धुरी नाभा का दौरा करते हुए रामपुरा फूल पहुंचे। पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल जी ने मलुका जी के हक में कहा कि अकाली सरकार ने बहुत से काम करवाए। मलुका साहिब ने गांवों और शहरों के विकास किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अकाली सरकार ने जो अच्छे काम शुरू किए वो कांग्रेस सरकार ने विराम कर दिए। जैसे कि अकाली सरकार ने लोगों के लिए श्री हजूर साहिब के लिए ट्रेन चलाई, वैष्णो देवी के लिए बस सेवा शुरू की, वो भी कांग्रेस सरकार ने स्टॉप कर दिए। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पे बोलते हुए कहा कि पंजाब ने आम आदमी पार्टी को 20 एमएलए देने के बाद भी केजरीवाल पंजाब के लोगों का धन्यवाद करने पंजाब नहीं आया और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। मनजीत सिंह बिट्टी सेलब्रे अपने दोस्तों के साथ आम आदमी पार्टी को छोड़कर अकाली सरकार में शामिल हो गए। बादल जी की सपोर्ट उनके चाहने वालों की गिनती बहुत ज़्यादा थी। लोगों का एकद देखते हुए बादल साहिब ने अकाली सरकार आने का दावा किया और लोगों को अपना वोट का सही इस्तेमाल करने को कहा। इस समय बिट्टी सेलब्रे गुरप्रीत मेहराग दर्शन मलुका अर्श औलक भी शामिल रहे। गुरजीत सिंह की रिपोर्ट। बरनाला बदनी, फिर बरनाले, फिर तूरी, फिर आपा, ते हुण थोड़े कोले पहुंचे। थोड़ी सरकार बनती मजनी दाता चोना आज गुंडा करती दी सरकार खत्म होगी। चार दिन रह गए, झंडा नीचे करे भाई। देखो मैनू तकरीबन 4-4.5 महीने हो गए घरों निकले। कल्ला ही है जेड़ा 117 हलकियां जाके आया, दूजे का मतलब हुणी निकले है। जेड़ी सरकार वो एक रेलवे गड्डी मंगू हुंदी है, इंजन मुख्यमंत्री हुंदा, डब्बे सरकार हुंदी है। जे इंजन चंगा ते 5 साल पूरी स्पीड ना चलती है। जे कैप्टन वर्गा चुन लिया इंजन 5 साल स्टार्ट ही नहीं होया। भगवंत मान चुन लिया इंजन वो दारू ना चलता है, उन्हें ट्रेन ही पलटा देनी है। पैसे लेके तुसी हैरान रह जाओगे, तुसी हैरान रह जाओगे। 65 टिकटा 117 विचों दल बदनुआ नु दित्ती है। आप बठिंडे देखो, बठिंडे शहर की टिकटी नु दित्ती है, दल बदनुआ नु दित्ती है। आवी कांग्रेस चवाया सब तो वड्डा ठाका मित्रा जिदे ते मैं परचा कराया। मलुका साहब की ड्यूटी लाई, 6 करोड़ रुपया अपने वर्करा का खा लिया। मलुका साहब की ड्यूटी लाई, परचा दिता, ए तो पैसे बनवाए। आम आदमी टिकटा पैसा दे के टिक लिया है। आम आदमी पार्टी की तुसी पंजाब बदलाव लेना चाहते हो? आ दल बदलूआ की पार्टी करूंगी। सारे रवायती पार्टियां तो कटे हुए पार्टे। आप पटियाले जिहड़ा सिरौर का उम्मीदवार है उन्हें 420 का पर्चा और ट्रैक्टर कंपनी नु ठगी मारी, पीओ डिक्लेयर है। आप फिरोजपुर देहाती का ओहदे ते रेप केस है जिहड़ा उन्हां दा उम्मीदवार है। जिहड़े लुधियाने शहर के 6 ते 6 जिहड़े हैगे प्रक्लेम डिफेंडर है, 4-4, 6-6 मर्डर केस है। जिहड़े सब तो वड्डे दारू बेचते हैं, समगलर, उन्हां नु टिकटां दित्तियां।
ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ 1 ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ? ਤੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿ ਤੇਰੇ MLA ਭੱਜਣ ਗਏ ਨਹੀਂ। 4 MP ਜਿਤਾਏ, 3 ਭੱਜ ਗਏ, 20 MLA ਜਿਤਾਏ, 20 MLA ਜਿਤਾਏ, 12 ਭੱਜ ਗਏ। ਅੱਜ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਇਰਾਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਰੱਖੇ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਫਰੰਟ ਤੇ, ਆ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇਖ ਲਓ ਲਿਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨੀ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ 60 ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਆਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਭਗਵੰਤ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੂਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਏ। ਐਸੀ ਹੀ ਖਬਰ ਸੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇਜਸ 24 ਨਿਊਜ਼।